staying alive. All that I feel is a fire inside. I have outrun it. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing has changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. Faster than ever, hungry and I'm going to come back and take what is mine. Bigger and better. It's a new dawn, it's a new day. Some things are different, but nothing is changed. Still got my number, still got my name. Tell everybody I'm back in the game. Did you guys miss me? Nahin. Hello guys, कैसे हैं आप लोग? I hope सब बढ़िया कर रहे हो. तो this is my first talking head video after 9 months, almost 9 months हो चुके हैं. तो कहाँ गायब थे भाई? किधर? कहाँ चले गए थे? बहुत सारे लोग पूछ रहे थे. बहुत सारे लोगों से मेरा मतलब है कि सिर्फ ऐसे 3-4 लोगों ने पूछा है, लेकिन हम उन 3-4 लोगों की बहुत वैल्यू करते हैं. तो हम बताएंगे कि हम कहाँ गए थे. हम रैम्बलिंग खत्म करते हैं और आपको बताते हैं. Where were we? So to all the new people who have joined me or have subscribed me, let me reintroduce myself. My name is Anshu Sharma. I am a video editor. And yes, I edit videos for my survival. And I unleash my creativity here on this YouTube channel. So, jinhone nahi kiya subscribe, to kar lo bhai subscribe. Kuch paisa to ja nahi raha hai, apna hi bhala ho jayega. Please bhai, main bhai samajh ke bol raha hu dosto. Please. By the way, did you guys get vaccinated? क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है. तो हम तो हो गए हैं भाई, पहला डोज तो लग गया है. तो होपफुली आप लोगों को भी लग गया हो सबको. तो बढ़िया, मतलब एकदम ये हमारा ऐसा इन्फ्लुएंसर है हम. क्या बोल रहे हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ लोगों ने, मैंने देखा था कुछ लोगों के कमेंट आए थे मेरी कुछ वीडियोस पे कि भाई तुम्हारी वीडियोस तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम्हारी वीडियोस पे इतने व्यूज क्यों नहीं है और तुम्हारे सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं है, इतने कम सब्सक्राइबर्स क्यों है. तो उसका आंसर ये है कि मुझे भी नहीं पता भाई क्यों है ऐसा. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ज़्यादा क्लिकबेट नहीं करता हूँ, या फिर आई डोंट ट्राई टू पुट दैट काइंड ऑफ थंबनेल्स, टाइटल्स जो कि मतलब बहुत ज़्यादा एकदम इतने सारे कलर्स होते हैं, इतने सारे टेक्स्ट होते हैं. पर्सनली मुझको वो पसंद नहीं. आई लाइक टू कीप माई टाइटल्स एंड थंबनेल वेरी सिंपल सोबर. तो उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, बिकॉज मुझे पता है यार, मतलब आई हैव बीन ऑन यूट्यूब लाइक फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा मुझे YouTube पे. तो आई नो हाउ थिंग्स वर्क और कैसे मैं लेवरेज कर सकता हूँ कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठा के अपनी वीडियो बना के, एंड देन आई कैन गेट सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज. बट दैट्स जस्ट नॉट मी. मुझको खुद पसंद नहीं है वो चीज़ें करना. तो मैं चाहूँगा कि मेरे मेहनत के 10 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स हों, रादर देन 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों जिसमें मैंने कुछ मेहनत ही ना करी हो. और अब ज़्यादा हो रहा है जिस चीज़ पे मैं बिलीव ही ना करता हूँ. तो दैट्स जस्ट नॉट मी. एंड इफ आई वॉन्टेड टू डू दैट, I could have done that. People don't know this, but I am actually very good at marketing. But it's just that I don't do deliberately marketing because I don't like the concept of marketing that much. अगर ये आंसर आप लोगों को थोड़ा पचा होगा कि नहीं पचा होगा, I don't know, but that is the case. और कुछ लोगों ने मुझसे यही पूछा था, तो मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ लोगों से आई मीन 3-4 लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे, कहाँ गायब हो गए थे 9-10 महीनों से. तो उसका भी हम जवाब देते हैं. तो अगर आपको याद होगा कि मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी पिछले साल 2020 में लॉकडाउन में, 24 आवर्स अ क्वारंटीन शॉर्ट फिल्म, जिसको बनाने के लिए मेरे को ऑलमोस्ट 3 महीने लग गए थे. बिकॉज ऑन एंड ऑफ मैं उस पर काम कर रहा था, बाद में मेरी लाइफ में और भी सारी चीज़ें चल रही थी और उस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, मेरा काम भी था, जॉब भी थी. तो इस वजह से उसको 3 महीने लगे और काफ़ी मेहनत से हमने बहुत ही प्यार से उस वीडियो को बनाया, उस वीडियो को अपलोड किया. और उसके बाद 3 महीने लगा के अगर आप एक वीडियो पे पूरी जान लगा देते हैं, उसके बाद आई जस्ट फेल्ट कि मेरे अंदर अब एनर्जी नहीं बची. तो उसके बाद मैंने कुछ और वीडियोस बनाई थी, बट आई रियलाइज कि मैं इस प्रोसेस को इन्जॉय नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बनाने वाले प्रोसेस को. एंड आई एम डूइंग इट फॉर द व्यूज़ और मे बी फॉर द सब्सक्राइबर्स, क्योंकि माई चैनल वॉज नॉट ग्रोइंग जिस स्पीड से मैं चाहता था ग्रो करे. तो आई काइंड ऑफ मेड वीडियोज दैट आई डिडंट इन्जॉय देम मच, एंड दैट आई डिड इट प्लेनली फॉर द व्यूज़. और वो भी नहीं आया तो कुछ फायदा भी नहीं हुआ उस वीडियो बनाने का. एक दो वीडियो पे आए तो इट्स गुड.
प्लस उस टाइम पे कुछ और भी चीज़ें चल रही थी लाइफ में, तो उसके बाद मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि आई एम क्विटिंग यूट्यूब। ब्लॉगिंग तो हमने पहले ही छोड़ दी थी क्योंकि भाई देखो गली गली में हर जगह ब्लॉगर आपको मिल जाएगा, तो इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं बहुत ही नॉर्मलाइज हो गया है ब्लॉगिंग करना, बहुत ईजी हो गया लोगों के लिए, फ़ोन इतने अच्छे कैमराज आ गए हैं, फ़ोन्स आ गए हैं, तो इट्स वेरी ईजी फॉर एनी वन टू ब्लॉग एंड टू अपलोड। तो उसमें क्या नया है, सब सेम ही टाइप के ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। तो आई जस्ट फेल्ट कि यार ब्लॉगिंग तो बहुत नॉर्मलाइज होती है, एंड पर्सनली मुझे वो चीज़ें करना बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ जिस लोग जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो, तो आई लाइक टू डू समथिंग डिफरेंट। दैट्स वाई आई थॉट कि मुझे ब्लॉगिंग करना उतना पसंद भी नहीं था। आई डोंट लाइक टू ऑनेस्टली आई डोंट लाइक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, मुझे अपना मुझे खुद को कैमरा के सामने देखना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो दैट इज़ फनी फॉर समवन हु मेक्स वीडियोज एंड हु लाइक्स टू मेक वीडियोज। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु जिसको वीडियो के पीछे रहना ज़्यादा पसंद है एज अ पोस्ट ऑफ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर रादर देन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एक्टिंग और यू नो जस्ट नरेटिंग थिंग्स। बट आई लाइक टू मेक वीडियोज, वीडियोज बनाना मुझे पसंद है। तो हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, तो हम टॉपिक ये था कि मैं भूल जाता हूँ, तो टॉपिक ये था कि भाई तो ब्लॉगिंग वाला जो सीन था, ब्लॉगिंग क्विट करने वाला, तो वो तो बहुत पहले था, बट उसके बाद मैंने स्टोरी डाली थी कि क्विटिंग यूट्यूब, अब मैं वीडियो ही नहीं बनाता। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बस अंदर से मन नहीं करता था बनाने का, एंड इट्स माय पैशन, इट्स नॉट माय जॉब टू पोस्ट कंटेंट ऑलवेज ऑल द टाइम यू नो वीकली। तो स्टोरी डालने के बाद आई जस्ट स्टॉप मेकिंग वीडियोस। तो उस टाइम पे लॉकडाउन तभी खुला था, आई थिंक इट वाज जनवरी की स्टार्टिंग में, आई थिंक दिसंबर एंड में आई टुक अप अ जॉब क्योंकि लॉकडाउन खुल गया था। तो हमने कहा घर वालों से कि भैया बाहर जाना है, अब बहुत हो गया, हम घर पे रह रहे पक गए। टुक अप अ जॉब फॉर दीज टू बिग यूट्यूबर्स जिनका डोमेन था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव गाड़ियों का, गाड़ियों से रिलेटेड वो वीडियोज़ बनाते थे। तो आई टुक द जॉब एज ए एडिटर, उनकी वीडियोज, नॉट जस्ट एन एडिटर बट टू शूट देयर वीडियोज एंड टू एडिट देयर वीडियोज साइमल्टेनियसली। तो आई वेंट टू हरियाणा फॉर दैट जॉब, वहाँ पे मैं रहा आई थिंक 10 days, और 10 दिन के बाद आई हैड टू क्विट दैट जॉब बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजन्स। उसके बाद आई टुक अप अनदर जॉब और वो थी नोएडा में, एंड फ्यू डेज इन I realized I'm in Haridwar for 3 months to shoot a TV commercial ad kind of thing, promo kind of thing for Uttarakhand government. क्योंकि उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ हो रहा था, तो उसके लिए हमें एक प्रोमो और कमर्शियल एड जो भी कह सकते हैं, वट एवर वुड लाइक टू कॉल इट, वो बनाना था। तो उसके लिए आई वेंट देयर और वहाँ पर मेरा ये रोल था कि भाई आपको असिस्टेंट एडिटर हैं आप, तो आपको वो असिस्टेंट वाला काम करना है जो कि बहुत ही बोरिंग काम होता है भाई, असिस्टेंट एडिटर इज वेरी बोरिंग जॉब। लेकिन आई वॉज सपोज टू डू दिस, लेकिन हम बन गए प्रोड्यूसर, पार्ट टाइम प्रोड्यूसर, पार्ट टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम कैमरामैन, पार्ट टाइम स्क्रिप्ट राइटर, तो हमारा फिल्म मेकिंग का कोर्स तो वहीं हो गया। व्हाई एम आई सो फनी। जिसकी वीडियोज मैंने अपने चैनल पे भी डाली थी जो कि आपने देख ही ली होंगी, विच वरंट इंटेंडेड टू बी अपलोडेड ऑन दिस चैनल, क्योंकि वो बस ऐसे ही रैंडमली बनाई गई थी। लेकिन फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया 2021 में, तो 3 महीने बाद कुंभ खत्म हो गया था। फाइनली आई वेंट टू नोएडा, हम यूपी में आ गए वापस, थोड़ा अच्छा सा लग रहा था अपने एक मतलब फेमिलियर जगह पे वापस आए थे, तो सोचा था कि वहाँ पे जाएंगे चिल करेंगे। लेकिन 2 दिन वहाँ पे रुके, इतने में भाई दिल्ली में अनाउंस कर दिया कि अब लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आई गॉट अ लिटिल स्केयर्ड कि भाई कहीं फिर से हम फंस ना जाएं लॉकडाउन में, तो हम चले गए सीधा घर मुरादाबाद। और तब से लेकर अब तक मैं घर पर ही हूँ, तो ये मेरा घर है। आई एम इन MBD इज मुरादाबाद इन UP एंड वी आर हियर। तो हम यहाँ पे चिल कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जून की गर्मी सह रहे हैं, तो यही है, दिस इज लाइफ। तो भैया ये थी टाइमलाइन ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट एंड दिस इज माय प्रेजेंट नाउ, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस चैनल। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो आई हैव नो आइडिया। तो इस चैनल का ऐसा सीन है कि भाई नो लिमिट्स टू क्रिएटिविटी, इधर अपन जो मनाएगा वो बनाएंगे, जैसे मनाएगा वैसे बनाएंगे, किसी को अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा है तो भाई मत देखो, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आई डोंट लाइक क्रिटिसिज्म, आई एक्चुअली लव क्रिटिसिज्म। मुझे पसंद आता है जब कोई मेरी वीडियो देख के मुझे बताए कि भाई ये ऐसे हो सकता था या इसको तुम ऐसे अच्छा कर सकते थे, आई रियली लाइक दैट। मैं चाहता हूँ कि लोग क्रिटिसाइज करें, आई लव क्रिटिसिज्म, दैट हेल्प्स मी ग्रो, अगर कंस्ट्रक्टिव हो। ये नहीं कि भैया आप मतलब इंसान को परेशानी करे जा रहे हो कि तू ऐसा मत कर, तू यही कर, तुझे ऐसी टाइप की वीडियोज ही बनानी, तू यही बना सकता है, तू यही नीच फॉलो कर, तो उधर जाएगा तो गलती हो जाएगी भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं एक नीच फॉलो करो। आई डोंट बिलीव इन दिस कि लिमिट में किसी की भी क्रिएटिविटी को लिमिट नहीं करना चाहिए, इंस्टेड वी शुड एक्सपेंड इट, क्योंकि इट्स माय फिलॉसफी, वी कैन बी लिमिटलेस, वी आर लिमिटलेस। तो दैट इज द सीन। आई डोंट लाइक पीपल टेलिंग मी व्हाट आई शुड डू, बिकॉज
इट्स माई चैनल, आई नो वट आई हैव टू डू, मुझे पता है क्या करना है, मुझे पता है कैसे करना है, तो आई डोंट नीड पीपल टेलिंग यू वट टू डू. बट वेन यू पुट योर सेल्फ आउट देयर, तो आई थिंक यू काइंड ऑफ हैव टू डील विद दैट, बिकॉज जब आप खुद को आगे रख रहे हो तो देर आर पीपल आर गोना जज यू, दैट्स गोना हैपन. तो पहले क्या होता था, पहले आई स्टार्टेड आउट एज अ ब्लॉगर, बिकॉज मुझे इतना फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मुझे इतना कुछ आइडिया था उस इंडस्ट्री के और उस डोमेन के बारे में, मुझे जीरो नॉलेज थी. तो आई स्टार्टेड एक्चुअली फ्रॉम द अंडरग्राउंड लेवल, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वीडियो कैसे बनाते हैं, बट फोटो कैसे खींचते हैं, आई हैड नो आइडिया. तो वहां से मैं सीखा, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन ही यही था ब्लॉगिंग का, बिकॉज ब्लॉगिंग वॉज ईजी, बस कैमरा सामने रखना है और जो भी हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है. बट स्लोली स्लोली मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया फिल्म मेकिंग साइड में, एंड आई रियलाइज कि मुझे ब्लॉगर तो बनना ही नहीं था. आई फाउंड दिस पैशन ऑफ माइन इन फिल्म मेकिंग, इन स्पेशली इन एडिटिंग, आई लव एडिटिंग. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब तो भाई हर गली में ब्लॉगर है, तो मेजॉरिटी अपन को नहीं पसंद है. ऐसा नहीं है कि अपन ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, जब मन आएगा तो ब्लॉग भी करेंगे. जैसे कभी कभी मन होता है ना आपको, इतना दिमाग मन नहीं करता यार, यू नो, कि इतना ज़्यादा उस पर दिमाग लगाएं या उसको सिनेमैटिक बनाएं या उसमें कुछ स्टोरी डालें, स्टोरी टेलिंग करें या इतनी ज़्यादा एडिटिंग करें. कभी कभी आपका मन करता है कि जस्ट नॉर्मल एक चिल व्लॉग बनाओ, थोड़ा बहुत एडिट करके डाल, जस्ट रॉ एंड रियल काइंड ऑफ थिंग. तो कभी कभी ऐसा भी करेंगे, जैसे मन आएगा वैसे करेंगे. दिस इज़ अ बड़ा बिलीविंग कि फ्रीडम होनी चाहिए हर क्रिएटर के पास, कि मेरा मन ये बनाने का है तो मैं ये बनाऊंगा. लेकिन व्हाट हैपेंस भी कि जब आप बड़े यूट्यूबर वगैरह बन जाते हो या आपकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो जाती है, तो आपकी ऑडियंस चाहती है कि आप एक ही सर्टन टाइप का कॉन्टेंट बनाओ. ये कुत्ता आ गया है, मुझे लगा कोई इंसान है, लगने लगा मुझे तो. हेलो डॉगी. तो बहुत हो गई रैम्बलिंग, हम आपको सीधे सीधे विस्तार में नहीं बता के सीधे सीधे बताते हैं कि इस चैनल पे किस टाइप का कंटेंट आएगा आपसे. तो मोस्टली फिल्म मेकिंग रिलेटेड कंटेंट होगा, फिलोसफी रिलेटेड कंटेंट भी होगा कुछ, और जब लॉकडाउन खुलेगा तो धीरे धीरे ट्रैवलिंग वाला कंटेंट भी आएगा. और लेकिन तब तक मैं सोच रहा हूँ कुछ ट्यूटोरियल्स भी आई विल स्टार्ट टू मेक, बिकॉज आई थिंक आई हैव लर्न दिस मच इस फील्ड में कि आई कैन टेल पीपल. मैं जब स्टार्ट कर रहा था कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मैं ढूंढता था इंटरनेट पर बट मुझे नहीं मिल पा रही, तो उस चीज़ को फोकस में रखते हुए आई स्टार्ट टू मेक फ्यू ट्यूटोरियल्स. तो शॉर्ट फिल्म भी बनाऊंगा, लेकिन अकेले तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा. अगर मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा तो आई विल हैव टू हैव सम पीपल जो कि हेल्प करें मेरी, बिकॉज अकेले आई कैन मेक, अकेले बना सकता हूँ, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट वॉन्ट पुट दैट मच एनर्जी इन टू अ वीडियो जहाँ पे सिर्फ अकेले आई हैव टू डू एवरीथिंग. I don't want to do that. It's tiring. It's a very tiring process and I don't like it. Main chahta hu log ho. Normal videos, it's okay. You know, you can do it alone. But a big project that you're doing, you need help of other people as well. So short films aayengi, aisa nahi ki nahi aayengi. Jahan pe lagega ki yaar baaki log, I cannot afford to have other people. Akele hi banayenge bhai. In the end to. Lekin aayengi zarur. Time lagega, lekin they will come. Definitely they will come. So yahi thi update. That's it for now. अपना कम बैक हो गया भाई, बहुत फुटेज खाली. तो दैट्स इट फॉर नाउ, दैट वाज माय, क्या बोल सकते हैं इसे, अपडेट वीडियो, कम बैक वीडियो. आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कंसिस्टेंट रहूं, हर हफ्ते एक वीडियो जरूर डालूं, एंड बिकॉज आई वांट दिस चैनल टू ग्रो, एंड आई हैव रियलाइज्ड दिस, फॉर एनी चैनल टू ग्रो यू नीड कंसिस्टेंसी, जो कि मैं पिछले दो साल से लैक कर रहा हूं. इस बार हम नई एनर्जी के साथ आए हैं, तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि कंसिस्टेंट रहें और आपको अच्छी अच्छी वीडियोज प्रोवाइड करें और इस चैनल को ग्रो करें, हम भी ग्रो करें, आप भी ग्रो करें, सब ग्रो करें. So thank you guys. Nice. So thank you guys very much. Rambling sunne ke liye. And chalte hain. Aur how's my setup? Ye setup ki to baat karna bhool hi gaya ki bhai setup kaisa? Naya setup hai, temporary setup hai. Kyunki meri jitni bhi lights wagaira thi, tripods wagaira the, wo Noida mein chhut gaye the. See you guys soon. Bye bye. Take care. लोकेशन बहुत ही खराब है भाई, गाड़ियां ही गाड़ियां आ रही हैं यहाँ पे, हॉर्न की आवाज आ रही है, लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिंदगी खराब. चैन से कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करने दे सकता भाई. एक तो गर्मी इतनी हो रही है भाई, देख रहे हो पसीना पसीना, जिंदगी मेरी पसीने भी निकल जाती है, मुझे पता नहीं इतना ज्यादा पसीना क्यों आता है. एनीवे, इट्स